हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से ऑक्जिलरी ट्रैक का लेंथ कितना होता है और दूसरा ये कहाँ पे उपयोग में लाए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पिक वारिश जब वर्क होता है, जब इनकी नए स्लीपर वगैरह चेंज होता है, तो ये शॉर्ट TRR वगैरह जब वर्क किया जाता है, तो ये जो हमारा जो होता है इसको ऑक्जिलरी ट्रैक बोलता है। एक ये रेल हो गया और दूसरा ये रेल हो गया। ये दोनों रेल का जो है आपका डिस्टेंस जो है एक्चुअली 3.4 मीटर या 3400 mm आप बोल सकते हैं। ये इस पर जो है पिक वायरस का मशीन चलेगा और इस पे, और ये हमारा अभी फिलहाल रनिंग रेल है, रनिंग ट्रैक है। तो जब इनकी से पिक वायरस वर्क हो जाएगा तो ये रेल एक्चुअली जो है फिर इसमें लगा दिया जाएगा रनिंग रेल में। अभी एक्चुअली टेम्प्रोरी जो है वर्क के पर्पज से जो है ये रेल लगाया गया है 52 kg का, हर एक जगह जो है प्लेटेड किया हुआ है, फिश प्लेटेड। तो ऑक्जिलरी ट्रैक ये इसी को बोला जाता है। ये रेल और ये रेल की लंबाई जो है दोनों का जो डिस्टेंस जो है एक्चुअली 3400 mm होता है। तो यही है डिटेल ऑक्जिलरी ट्रैक से संबंधित। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से ऑक्जिलरी ट्रैक का लेंथ कितना होता है और ये कहाँ उपयोग में लाए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब से। धन्यवाद।